और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बहुत ही ज्यादा इससे रिलेटेड है वो है कि इनके फ्यूचर के लिए जो प्लानिंग होती है और अचीवमेंट जो होती है उसमें कोहेरेंस है, वो कहीं भी कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर कॉन्ट्रडिक्टरी होगा तो फिफ्थ कॉलम का इसमें शमूलियत होगी, जिसका मतलब है कि एक तबका एक तरफ उसको अपने राइट्स को अचीव करने के लिए एक लाइन अमल पे उस पे अमल पैरा होगा, जो कि दूसरा तबका दूसरे पर. सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन विल रिजल्टेड और प्रोबेबली यील्डेड इन द डिक्लाइन ऑफ नेशन. सो जो सबसे अहम बात है कि उनमें मुश्तरक लैंग्वेज, टेरिटरी, रिलीजन, कल्चर एंड वैल्यूज तो होंगे, लेकिन उनकी फ्यूचर के लिए प्लानिंग, उनके फ्यूचर के जितने टास्क हैं, उनके अचीवमेंट्स और जो गोल्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए जो तरीकेकार, जो रास्ता, ठीक है, और जो उनकी ऑब्जेक्टिविटी होगी, इट विल बी सेम. अच्छा, इसमें अब हमने नेशन की डिफिनेशन को पढ़ लिया, ठीक है. अब अगर इसमें कोई कौम ये तमाम फीचर्स शेयर करती है, लैंग्वेज, टेरिटरी, कल्चर, रिलीजन, फ्यूचर ओरिएंटेशन, फ्यूचर के लिए जो ऑब्जेक्टिविटी है वो शेयर करते हैं, इट विल बी नोन एज नेशन, ठीक है. अब इसमें स्टेट फिर एक अलग चीज है, स्टेट मुल्क को कहते हैं, ठीक है. स्टेट जो है वो रियासत है, ठीक है. स्टेट जो है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, स्टेट की कुछ रिक्वायरमेंट्स है उसको फंक्शन करने के लिए, या आप कह सकते हैं कि उसकी कुछ पिलर्स हैं जिस पर वो रिजाइड करती है. नंबर वन है लेजिस्लेचर, अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है, व्हिच विल बी रिपीटेड फ्रीक्वेंटली, ठीक है, इन दिस सब्जेक्ट इट विल बी फ्रीक्वेंटली रिपीटेड एंड विल कम अक्रॉस इट. सो इट इज वेरी मच रिकमेंडेड दैट अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. ओके, लेजिस्लेचर का मतलब है टू द बॉडी व्हिच मेक लॉस, ठीक है, वो बॉडी जो कानून बनाती है, इट इज नोन एज लेजिस्लेचर. हमारे लेजिस्लेचर जो है वो पार्लियामेंट है, ठीक है, उसमें दो फिर उसके हिस्से हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट, ठीक है. नेशनल असेंबली को लोअर हाउस और सेनेट को अपर हाउस कहते हैं. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस, नथिंग एल्स बट टू मेक लॉस, ठीक है, कानून बनाना, ठीक है, दिस इज नोन एज लेजिस्लेचर. इसके जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको लेजिस्लेटर्स कहा जाता है. लेजिस्लेटर्स आप एमएनए, सेनेटर्स, एमपीएस जो देखते हैं वो लेजिस्लेटर्स होते हैं, ठीक है. नंबर सेकंड इज एग्जीक्यूटिव, द बॉडी व्हिच इंप्लीमेंट लॉस, वो बॉडी जो कानून पर अमल दरामद करवाती है, ठीक है. इनका लॉस के मेकिंग के साथ, लेजिस्लेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये अमल दरामद करवाती है. अगर एक सरकारी डिपार्टमेंट का वॉचमैन आपको बगैर इजाजत अंदर जाने से मना करता है, ठीक है, अगर पुलिस अमन अमान के लिए दफा 144 जो है वो लगाती है, ठीक है, इससे लेकर और सीईओ ऑफ दिस कंट्री जो कि वजीर आजम है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है, दे आर अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव. वजीरों की शक्ल में किसी जो कानून पर अमल दरामद करवाते हैं. नंबर थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो है जुडिशरी. नाउ दे हैव अ फंक्शन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, यानी दे एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सा पहलू है, किस पहलू पर यहां पर इंपॉर्टेंस दी गई है. सो जो स्टेट के लिए रिक्वायरमेंट्स है वो बुनियादी तौर पर तीन चीजें हैं, तीन पिलर्स हैं, तीन इंस्टीट्यूशन है. एक लेजिस्लेचर है जो कि कानून बनाने वाला, कानून साज इदारा है, इसके मेंबर्स को लेजिस्लेटर्स कहा जाता है, और जो लॉज पास करते हैं उसको लेजिस्लेशन कहा जाता है. ये दूसरा एग्जीक्यूटिव है, ठीक है. मैंने आपको बताया कि कानून पर अमल दरामद कराने वाला शख्स जो कि अदना से अदना पोजीशन पर है, उससे लेकर सीईओ ऑफ दिस कंट्री जो कि प्राइम मिनिस्टर है, वो तमाम एग्जीक्यूटिव है. और फिर जुडिशरी है जो कि इन कानूनों की तशरीह करती है. अब अंडरस्टैंडिंग नेशन एंड स्टेट, नाउ वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स आइडियोलॉजी. नाउ व्हाट इज आइडियोलॉजी, अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ऑफनली रिपीटेड. इसमें आगे हम इसको काफी डिटेल में इसके मुख्तलिफ अवामिल से, पाकिस्तान से रिलेटेड आइडियोलॉजीज को डिस्कस करेंगे.
आइडियोलॉजी जो है इसके बुनियादी माने हैं साइंस और सिस्टम ऑफ आइडियाज, ठीक है, साइंस और सिस्टम ऑफ आइडियाज। साइंस ऑफ सिस्टम ऑफ आइडियाज यानी आइडियाज आगे बढ़ने की जुस्तजू, गोल्स किस तरह हासिल करने हैं, एक कौम किस मुकाम पर पहुंचना चाहती है, वो अपने लेवल्स को किस तरह अटेन करना चाहती है, उसके क्या क्या जिंदगी या उसके जिसे आप कह सकते हैं कि आगे बढ़ने के लिए क्या क्या तदाबीर पर अमल करना है, किन चीजों पर वो कंप्रोमाइज नहीं कर सकती, किन चीजों को उसने जिसे आप कह सकते हैं कि उनको अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है, ये तमाम अवामिल जो है ये एक आइडियोलॉजी दे करती है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल और लेट मी बाय इलस्ट्रेटिंग आपको मैं बता दूं कि जिस तरह तुर्क 1923-24 तक वो एक अलहदा खिलाफत उस्मानिया के अलमदार थे और उनकी आइडियोलॉजी चीन थी, फिर उन्हीं में से शख्स, ठीक है, कमाल अतातुर्क वो उठा और उसने कंप्लीटली उनकी आइडियोलॉजी चेंज कर ली और इस्लामिक खिलाफत से जिसे कह सकते हैं कमालिज्म की तरफ वो उनको ले गया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इसमें वो आइडियोलॉजी कंप्लीटली चेंज हो गई। दो बहुत टाल फिगर्स मुस्लिम तो उसके रियासत के मुस्लिम मुआशरे के, उनमें से एक कायद अजम रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे जो है वो मौलाना फुकरा, ठीक है, दोनों के दरमियान बेतहाशा इख्तलाफ, दोनों में लड़ लो, लेकिन एक ही कहते एक का ही कहना था, ठीक है, मौलाना अब्दुल्ला आजाद का कि हमें कंबाइन इंडिया में रहना चाहिए, जबकि कायदे आजम जिनका पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ था, उनकी आइडियोलॉजी मुख्तलिफ थी, वो मुसलमानों के लिए अलहदा मुल्क चाह रहे थे। नाउ हियर द आइडिया अप्रोच सॉल्यूशन डिफर, ठीक है, वो जो सॉल्यूशन की तरफ जाना है वो डिफर कर रहा है और ये जो डिफर करते हैं ये आप एक खास सोच के तहत करते हैं और वो सोच उसमें वसत उसकी बुनियाद उसमें आगे बढ़ने का रास्ता ये तमाम प्रोवाइड किया जाता है आइडियोलॉजी से। सो आइडियोलॉजी साइंस और सिस्टम ऑफ आइडियाज है, ठीक है, और इसमें वो आइडियाज हैं आगे बढ़ने के रास्ते हैं जिन पर अमल पैरा होकर जिन पर अमल करके जिनको जिसको अपना कर जिसको कोर्स ऑफ लाइफ और मॉडस ऑपरेंडी बनाकर हम आगे बढ़ सकते हैं या एक नेशन थ्राइव कर सकती है टूवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, एक नेशन थ्राइव कर सकती है अपने अचीवमेंट ऑफ टास्क और प्रॉबली अटेनमेंट ऑफ हायर गोल्स, ठीक है। तो ये आइडियोलॉजी बुनियादी तौर पर आइडियाज और साइंस की वो साइंस है उन आइडियाज की जिन पर मुसलसल अमल पैरा रहेगा, जिनको अपने लिए राह बनाकर जिस पर जिसको जो टॉर्च बियरर है आपके गोल्स के अटेनमेंट के लिए, ठीक है। अच्छा, आइडियोलॉजी जो है एक कौम के थिंकिंग की रिफ्लेक्शन भी है कि वो कौम क्या किस तरह से क्या सोचती है, उसका दुनिया में डिफरेंट सर्वाइवल करने के लिए आगे बढ़ने के लिए हक को हक कहने के लिए जस्टिफिकेशन करने के लिए जस्टिस करने के लिए उसके क्या क्या कौन कौन से अवामिल हैं जिन पर उसने आगे बढ़ना है, ठीक है। और ये एक क्लास या एक नेशन की आइडियोलॉजी को डिफाइन करती है। आइडियोलॉजी एक्चुअली एक कौम या एक क्लास एक ग्रुप, ठीक है, अ बंच ऑफ पीपल, उनके थिंकिंग की रिफ्लेक्शन है। ओके, आइडियोलॉजी जो है ये मुख्तलिफ ग्रुपों में ग्रो करती है, लेकिन वो ग्रुप जो प्रेस्ड हो जाए, वो ग्रुप जो माइनॉरिटी में हो, या वो ग्रुप जिसको हमेशा तस्दीक या उनके जो बुनियादी बिलीव्स हैं उनको चैलेंज किया जाए, उन ग्रुप्स में आइडियोलॉजी बुनियादी तौर पर ग्रो करती है और यूनिटी का सोर्स बनती जाती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा एक आइडियोलॉजी को देख लें कि एक इंसान की भी जिंदगी में कलेक्टिवली अगर से आगे हम इसको इंडिविजुअल कैपेसिटी में देखने की कोशिश करें कि अगर एक इंसान जो है वो जिंदगी गुजारता है तो वो कुछ गोल्स पर जिंदगी गुजारता है, उसके कुछ गोल्स हैं जिसको अटेन करने के लिए बाकायदा उसी पाइपलाइन में अपने एफर्ट्स और आइडियाज को जनरेट करता है, उसी की तरफ अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को डायरेक्ट करके अपने लिए वहां पर एक मुकाम हासिल करने की कोशिश करता है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो इंडिविजुअल उस जो गोल्स वो हासिल करना चाह रहा है उसकी तरफ आगे बढ़े, उसकी तरफ आगे जाए और उसके लिए उसको चाहिए कि एक सही राह में अपने मुतय करदा काविशें जो है कोशिश जो है स्ट्रगल जो है
उनको एक डायरेक्शन और पाथ दे। सेम इज द केस विद अ नेशन। एक नेशन भी अपनी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर ही कुछ गोल्स वो सेट करती है। उसने ग्लोबल लेवल पर सर्वाइव करना है, प्रोग्रेस करना है, प्रॉस्पेरियस करना है, अपलिफ्ट ऑफ इस कम्युनिटी है, अपलिफ्ट ऑफ कम्युनिटी है, उसके अपने रेजिडेंट्स को जो उसके इनहेबिटेंट्स है सॉरी उनको आगे बढ़ने के लिए डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आइडियोलॉजी जो है वो एक इंडिविजुअल से लेकर एक नेशन तक थ्राइव कर सकती है, कलेक्टिव भी हो सकती है और इंडिविजुअल बेसिस पर भी हो सकती है। ठीक है, फिर अगर हम देखें कि आइडियोलॉजी में जो बुनियादी तौर पर दो चीजें जो उसका जो लाजमी जुज है उसमें नंबर वन है नेशनल प्रायोरिटीज। ठीक है, एक नेशन की तरजीहात, उस नेशन के लिए इंटरेस्टेड क्या है, क्या चीज है जो उस नेशन को उसके उसके इंटरेस्ट को मल्टीपल कर सकती है, उस चीज को देखा जाता है। और नंबर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट, आप एक आइडियोलॉजी पास्ट में आपके इंसिस्टर्स, आपकी बिलोंगिंग्स, आपके जो अटैचमेंट्स हैं उसके साथ जोड़े रखती है, प्रेजेंट में आपको सर्वाइव करने के, डटे रहने के, मुकाबला करने के, स्ट्रगल करने के, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है और फ्यूचर को एक बहुत ही ब्रिलियंट और प्लेजेंट तौर पर आपके लिए हमकिनार करवाती है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम आ जाए सिस्टम ऑफ आइडियाज को, हमने उसको पढ़ लिया और इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियाज की तरफ हम आते हैं। ठीक है, कि आइडियाज जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आइडियोलॉजीज किन किन चीजों पर अमल पैरा होती है, एक नेशन के लिए आइडियोलॉजी क्यों जरूरी है, वो क्या क्या इसके अवामिल हैं या इसके कंड्यूसिव सर्विसेज हैं जो यील्ड की सूरत में हमें मिलते हैं, आउटपुट और प्रोडक्ट की सूरत में एक नेशन को मिलते हैं। नंबर वन यूनिटी और स्ट्रेंथ, आइडियोलॉजिकल कोरें हमेशा यूनाइटेड रहती हैं और दस यूनिटी जो है, जिस तरह ये बहुत मशहूर कहावत है, एक्सम है कि यूनिटी स्ट्रेंथ, तो आइडियोलॉजिकल नेशंस जो आइडियोलॉजी पे अमल पैरा होती हैं उनमें कभी भी यूनिटी या सेग्रीगेशन, यूनिटी हमेशा रहती है और सेग्रीगेशन डिफरेंसेस एक दूसरे के मुखालफत नहीं होती। ठीक है, और ये यूनिटी ये यकानियत थी, ये एक जैसा आगे बढ़ने का जज्बा थी, ये आगे जाना जरूरी ठहरना ही और ये आगे बढ़ने के लिए कंबाइन एफर्ट्स जो है, जब एक ही सिमत पर वो पोटेंशियल डायरेक्ट हो, तो ये मरहूम मिन्नत है आइडियोलॉजी की। आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन, एक आइडियोलॉजी के बगैर एक नेशन जो है वो कंप्लीटली आइडेंटिटी आइडेंटिटी लेस होती है। ये आइडियोलॉजी है जो एक कौम को इंटरनेशनल लेवल पर अपने कंपटीटर्स के यहां, अपने इलाकाई और रीजनल लेवल्स पर उनको प्रोवाइड करती है आइडेंटिटी, शनाख्त, पहचान, जुदाखाना हैसियत, और ये कमाल है आइडेंटिटी। ये जो आइडेंटिटी, ये जो आपको सेपरेट वो मिलती है, जुदाखाना हैसियत मिलती है, इसकी बुनियादी जो ये सर्विस है आइडियोलॉजी की। रिलेशन रिफ्लेक्शन ऑफ पास्ट, माजी की अकासी करती है, आपको आपके माजी से कट ऑफ नहीं होने देती, क्योंकि जो कौमें अपनी हिस्ट्री बुला लेते हैं, जो कौमें अपने माजी से कट ऑफ हो जाती है, वो कौमें अक्सर जिसे वो अपना वजूद खो देते हैं। ठीक है, वो कौमें तो रहती हैं लेकिन वो नहीं होती जो उनको होना चाहिए। प्रेजेंट में जिस तरह मैंने आपको बताया स्ट्रगल करने की, जर्मनी की मिसाल आपके सामने है, बेतहाशा कर्जा उस पर चढ़ा, स्ट्रगल की, आज दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है। जापान की मिसाल, दुनिया का वाहिद बम जहां एटॉमिक बम के लिए आए गए, आज कहां पर खड़ा है। चाइना की मिसाल, ना जो जैसे पिछली सदी में कुछ ही टाइम पहले, कुछ ही अरसा पहले, कुछ ही दहाइयां पहले, जिसे अफीमों की मईशत की कौम कहा जाता था, आज चाइना अमेरिका को टक्कर दे रहा है। और बजाय खुद अमेरिका की मिसाल अगर आप ले लें कि जो किसी जमाने में नेग्रोस में, अभी 1963 में तो उन्होंने उसमें मार्टिन लूथर किंग को उनको हिट किया है। ठीक है, तो उनकी अगर आप मिसाल लें कि कौम जो उसमें अभी तक इंतहाई रेशियल बेस्ड मुख्तलिफ किस्म की लास पाए जाते थे, उस कौम में भी अगर आज वो दुनिया को लीड कर रही है, उसमें उनकी आइडियोलॉजी, उनकी वननेस, उनका उनके अपने उसमें फ्यूचर के लिए जो गोल्स हैं उसका क्लियर होना जरूरी है और मौजूद है, जो कि आइडियोलॉजी की बुनियाद है। क्लियर डेस्टिनेशन,
आइडियोलॉजी आपको आइडियोलॉजी जो है आपको सिर्फ और सिर्फ जो उसकी अहमियत है कि आपको ब्लर विजन से बचाती है, आप अपने गोल्स को क्लियर होते हैं, बतौर नेशन आप अपने गोल्स क्लियर रखते हैं कि यहां तक मैंने अटेन करना है, एक्सेल करना मेरा यहां तक है, ये मेरा लेवल है जहां तक मैंने जाना है, ठीक है। तो लिहाजा क्लियर डेस्टिनेशन होती है, आपको अपनी मंजिल का पता होता है, आपको अपने अचीवमेंट्स को आपके सामने क्लियर होते हैं और फिर उनको अचीव करने के लिए आप अपना मैक्सिमम वर्क करते हैं। बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे भी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जैसे कायदान साहब से पूछा गया कि मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, उन्होंने कहा कि मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत क्लियर है, हमारे सामने मदीना की रियासत की सूरत में एक वाज़ह मिसाल मौजूद है, ठीक है। हमें अगर आप पूछा जाए तो हम कह देते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आइडियोलॉजी के मुताबिक इस्लाम के बुनियादी उसूलों के मुताबिक उस पर बेस करता है। तो लिहाजा आपको लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बता दूं कि हु विल बी व्हाट इन अ डिफाइंड टेरिटरी, ठीक है, किसके पास क्या इख्तियारात होंगे एक डिफाइंड टेरिटरी में, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। कस्टोडियन ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, आपके आपकी जो सहाफत है, ठीक है, आपके जो रस्म रिवाज है उनकी निगहदाश्त करती है, उनको जोड़े रखती है, उनको संभाल के रखती है, और वक्त के डिफरेंट किस्म के जो वक्त के मुख्तलिफ किस्म के बेरहम मौजों में उनको खोने नहीं देती, बल्कि हमेशा वो आपकी सिविलाइजेशन, आपकी पहचान, आपकी जुदागाना हैसियत को इंटैक्ट रखती है और टफ टाइम्स को काउंटर करने में मदद देती है कि मुश्किल वक्त को हंसी खुशी बर्दाश्त करने में आगे बढ़ने में आपको मदद देती है। और फिर यही वजह है कि जर्मनी, जापान, चाइना, एक ममालिक है, रिसेंटली अगर आप इथियोपिया की मिसाल देखें जो कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो काफी टॉप पोजीशन पे रही है, इनमें आपको मदद देती है। बच्चों आज इसमें हमने कुछ डिस्कशन कर ली है, नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम इस इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है और खासकर पाकिस्तान के रिलेटेड आइडियोलॉजी को पढ़ेंगे। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।